हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक पर नोटिफिकेशन आती है उसको कैसे बंद करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पर चले जाइए। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद में यहाँ पर आप टच कर लीजिए सर्च बार पर, फेसबुक करके सर्च कर लीजिए। फेसबुक सर्च करने के बाद में आप देख सकते हैं नीचे में मेरे पास ऑलरेडी फेसबुक ओपन डाउनलोड है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद में इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर सर्च, यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे होंगे थ्री लाइन पर टच कर लीजिए। तीन लाइन पर टच करने के बाद में नीचे स्क्रॉल कर लीजिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आप सेटिंग एंड प्राइवेसी पर टच कर लीजिए। सेटिंग पर, उसके बाद में सेटिंग पर टच कर लीजिए। सेटिंग पर टच करने के बाद में आपको ऐसी इंटरफेस होगा, तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन करके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर टच कर लीजिए। इसके ऊपर टच करने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कमेंट, टैग, रिमाइंडर फॉर एक्टिविटी अबाउट यू। तो यहाँ पर आपको किसी भी का नोटिफिकेशन बंद करना है तो यहाँ पर आप टच कर लेना। टच करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं पुश करके ईमेल एंड एसएमएस, तो आप यहाँ पर इसको बंद कर लीजिए दोनों तीनों को। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे थोड़ा नीचे आने के बाद में, और यहाँ पर आप पूरे नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं वेर यू रिसीव नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर आप पुश पर टच कर लीजिए। पुश पर टच करने के बाद में यहाँ पर आप मेरे अभी फ़िलहाल बंद है तो आप चालू कर सकते हैं इसको। यहाँ पर चालू हो जाएगा टच करने के बाद, तो यहाँ पर फिर बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद में यहाँ पर आपको अगर ईमेल की नोटिफिकेशन बंद करना है तो यहाँ पर बंद कर सकते हैं। फिर एसएमएस जो भी आपके नंबर पर आता होगा वो भी बंद कर सकते हैं एसएमएस मोबाइल नंबर पर। तो आप ऐसे नोटिफिकेशन बंद कर लीजिए। चलो वीडियो